मेरी पहली बैठक थी पदभार ग्रहण करने के बाद कोतवाली में आया था और यहाँ सीएलजी के मेंबर्स ने अपनी समस्याएं रखी। अमूमन जो समस्या हर छोटे मोटे कस्बे और शहर में आती है, ट्रैफिक की समस्या थी, आउटसाइडर जो बाहर से लोग रहने लगते हैं उसकी समस्या थी, अवैध वाहनों की समस्या थी, चोरियों की समस्या थी, रात्रि गश्त की समस्या थी। मैंने अपनी पूरी टीम की तरफ से सबको आश्वासन दिया है कि मैं इन समस्याओं पर अंकुश लगाऊंगा, मिटाने का प्रयास करूंगा। और इसमें मैंने सारे सीएलजी मेंबर्स और बाड़मेर के जो सम्मानित नागरिक हैं उनका भी सहयोग अपेक्षित की है, मैंने उनसे अपेक्षित है, वो भी उनको समझाने का प्रयास किया कि हम केवल हर चीज़ को कंट्रोल के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से व्यवस्था नहीं सुधार सकते, हमारी एक सीमा है, वो हमारा सहयोग करें, हमारे साथ चले। तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल बात हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई, अब मेरे बीट कांस्टेबल जो मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे साथी, ये सारे जाएंगे बीटों में। जैसे मैंने यहाँ सीएलजी की बैठक ली, मेरे एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे और ये 55 वार्ड मुझे बताए गए हैं, तो 55 वार्डों में मेरे ये बंदे जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। हर वार्ड की अपनी समस्या है, किसी की होगी कि यहाँ फोर व्हीलर नहीं निकल सकता, किसी की होगी तेज़ निकलता है, किसी में महिला महाविद्यालय होगा, अलग अलग समस्या है, उसको ये कारगर रूप देंगे, प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। ये स्वयं मिलेंगे जाकर के, जाते भी रहे होंगे, हो सकता है करेंगे। जहाँ तक हेलमेट की बात है, मैंने उनको यही कहा, हेलमेट आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए, इसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना और चालान काटना ये तो स्वयं आपके लिए विचारणीय प्रश्न है, किसी के दूसरे नहीं, आपके स्वयं की सर की सुरक्षा। बिना नंबरी वाहनों का मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है अपने एडिशनल एसपी से लेकर नीचे तक, ट्रैफिक प्रभारी थे, डिप्टी थे और जो भी जाब्ता मौजूद था, कि बिना नंबरी वाहन तो बर्दाश्त नहीं, वो जब्त होगा उसकी लीगल कार्रवाई, रसीद काट करके नहीं जाएगा, वो सड़क पे तभी आएगा जब उस पे नंबर होगा।